नमस्कार, मिथिला मस्तूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एम्स दरभंगा में बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो अब लोगों के नजर से दूर होता जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अब ये शायद राजनीति अखाड़ा बनकर रह गया। हालांकि दरभंगा के तमाम डॉक्टर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित हैं और एलुमनाई के जो हैं, उन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से किया। उन्होंने कहा कि दरभंगा डीएमसीएच का एक विस्तृत रूप है, दरभंगा डीएमसीएच को विस्तृत होना है। दरभंगा की डीएमसीएच में हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन जो मरीजों का इलाज होता है, यहाँ जो डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर से, पीजी डॉक्टर से, उनके शिक्षण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, यहाँ के टेक्नोलॉजी को आधुनिक होना चाहिए। यहाँ भवन नहीं है, यहाँ छात्रावास नहीं है, हर तरह की असुविधा के बीच दरभंगा डीएमसीएच आज भी मरीजों के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसलिए धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि उन्होंने एम्स का जो स्थल है उसे बदलकर शोभन या फिर अशोक पेपर मिल ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद जब सीधा बयान आया है आईएमए के डॉक्टर्स का, उन्होंने धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं दूसरी जगह बने उससे कोई मतलब नहीं, कहां बन रहा, लेकिन दरभंगा में ही बनेगा, ये आश्वस्त है। और दूसरी तरफ यहां अगर नहीं बनता है, ये पूरा जो जमीन है वो दरभंगा डीएमसीएच को सौंप दी जाएगी और दरभंगा डीएमसीएच यहां पर और भवन बनाकर, जैसा कि बताया जा रहा है कि 1034 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं दरभंगा डीएमसीएच के लिए, जैसा कि दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य ने कहा। अब दरभंगा डीएमसीएच को पहले सवाल ये, पहले जब बात आई थी तो सबके मन में यही बात थी, और उन लोगों ने भी, जिन लोगों ने ये प्रपोजल मेहनत करके इसको लाया था यहाँ पर, यही समझ करके कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज का रूप बदल करके, इसको परिवर्तित करके एम्स का रूप दे दिया जाएगा, और इसी चीज को बिहार गवर्नमेंट में भी इस बात को की बात गया। जब बाद में मुख्यमंत्री को समझाया गया कि ये मेडिकल कॉलेज कितना पुराना है, कैसा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप दरभंगा में पढ़े हैं, रहे हैं, तब उनका ध्यान हुआ कि हाँ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज बचना चाहिए। उमेश जी ने ठीक कहा है, उनको पहले ऐसे ही बताया गया था। हमारा विरोध किस बात का, डीएमसीएच में एम्स न बने, डॉक्टर लोगों का विरोध किस बात का, इसको स्पष्ट किया जाए। डीएमसीएच अस्तित्व बचे रहे, बचा रहे और एम्स बने, हमारा यही स्टैंड। सरकार भी कर रही है कि डीएमसीएच बचा रहे, इसकी गरिमा बनी रहे, इसका अस्तित्व बचा रहे, इसकी मान्यता बची रहे, हम लोगों ने उसका प्रयास किया है। और एम्स बनाने का निर्णय का, एम्स बनाने के निर्णय का स्वागत किया। जमीन कोई इशू नहीं था, जमीन शुरू में जब डीएमसीएच के लिए सिर्फ 27 एकड़ जमीन छोड़ी जा रही थी, जो वस्तुतः सिर्फ 18 एकड़ ही थी, 27 एकड़ भी नहीं थी, और उस 18 एकड़ में भी इंक्रोचमेंट था, तो उस पर हम लोगों को आपत्ति थी। इतने में डीएमसीएच के 21 विभागों का निर्माण या संचालन नहीं हो सकता, 12 हॉस्टल इसमें नहीं बन सकते, चिकित्सकों के आवास नहीं बन सकते, उस समय हम लोगों को आपत्ति थी और हम लोगों ने अपनी कठिनाई बताई थी। उसके बाद सरकार ने उसको निर्णय लिया, निर्णय की घोषणा की गई, पुनः फिर सरकार द्वारा ही घोषणा की गई, देर आए दुरुस्त आए, डीएमसीएच भी बच रहा है और एम्स का भी निर्माण हो रहा है। हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि इस संबंध में मंत्रिमंडल का निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा और यह जो असमंजस की स्थिति है दूर हो जाएगी और कोई गतिरोध नहीं होगा। राजनीतिक दल अलग है, राजनीतिक विचारधारा अलग चीज है, उससे स्वास्थ्य को बिल्कुल अलग रखना है, डीएमसीएच को और एम्स को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक
दल के विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जब हम संगठन में है, डीएमसीएल उन्नाई एसोसिएशन में है, आईएमए में है, तब सिर्फ अपने संगठन की हित की बात ही हम करेंगे। क्योंकि एक सवाल मेरा आखिरी सवाल है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया कि डीएमसी तो नहीं बनेगा, लेकिन दरभंगा का वो कोई जगह का जिक्र नहीं किया, तो मन में कोई शंका है आप लोगों को, डॉक्टर लोगों को, कि कहीं ना कहीं दरभंगा से शिफ्ट भी हो सकता है जो राजनीति? नहीं, वो शंका नहीं है। अफसोस होगा अगर एम्स यहाँ से दरभंगा से बाहर चला जाता है तो डॉक्टर को किसी बात का अफसोस होगा? अफसोस होगा मगर इसकी संभावना नहीं है, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लाया गया है इसको, जिस प्रक्रिया से, जिस से अगर इसको शिफ्ट किया जाता है तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों को सवाल है क्या उस समय अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे बड़ा दुखद कुछ नहीं होगा। हाँ, करेंगे संघर्ष। हम लोग यहाँ एम्स के स्थापना के लिए संघर्ष, अगर एम्स यहाँ से दूसरी जगह जाता है तो हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष इसलिए करेंगे कि ये डीएमसीएच ही है कि मुद्दा था कि डीएमसीएच में ही बनेगा। दूसरे बहुत 200 एकड़ जमीन और 150 एकड़ जमीन 112 एकड़ में बना हुआ है आपका गोरखपुर एम्स 165 एकड़ में बना हुआ है आपका गुवाहाटी एम्स, आपका ऐसा एम्स, फिर आपका भोपाल में बना हुआ है। सर, जो जमीनी हकीकत है वो जमीनी हकीकत ये है कि 200 एकड़ जमीन कैबिनेट से पास हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा तो कर दिया कि 150 में बनेगा एम्स और डीएमसीएच को मिल जाएगा। कैबिनेट से उन्होंने पास नहीं कराया, उसमें लगभग 6 महीना साल भर लग गया उनकी घोषणा के बाद। अब फिर एक नई घोषणा उन्होंने कर दिया कि नई जगह बनेगा। निर्णय बदलने का अधिकार है। बीच में आपको बता दें, बीच में जो है तो जैसे अभी 81 एकड़ जमीन उनको मेरा प्रश्न वही है जो वो आकर के यहाँ पर कहे कि 150 एकड़ में एम्स बनेगा और 77 एकड़ जमीन मिलेगा आपको डीएमसीएच, ऐसी स्थिति के बाद यहाँ के जाने के बाद फिर 81 एकड़ जमीन हस्तांतरित हो जाती है एम्स को, तो क्या लग रहा है कि बिहार सरकार भी कहीं कुछ और गेम नहीं खेल रही है? क्योंकि एक तरफ वो आप लोगों को कह रही है कि नहीं हम कहीं एम्स बनेगा, दूसरी तरफ वो जमीन हस्तांतरित करके और आज भी कार्य चल रहा है। प्रथम चरण में 81 एकड़, द्वितीय चरण में उसके बचा हुआ पोर्शन, अब तीसरे चरण में जो है तो लास्ट बचा हुआ पोर्शन उनको दे दिया जाएगा 150 एकड़ में, 155 एकड़ जिसमें 81 एकड़ का हस्तांतरण हो गया है, जहाँ पर मिट्टी भराई सबका काम चल रहा है, सब चीज चल रहा है। तो इसमें जो है तो हम लोग तो इस पर अब बोलिए। अच्छा, ठीक है। आप आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन उससे पहले का एक एलुमनस हूँ और जो कुछ भी मैं आज हूँ उसको, उसका पूरा का पूरा श्रेय इस संस्थान को जाता है जिसने हमें इस रूप में प्रस्तुत किया है, इस रूप में बनाया है। हम उसको अपनी माँ की तरह मानते हैं और जब वो उसको हम बिगड़ता हुआ देखें, उस पर संकट देखें, तो हमारा हृदय रोने लगा और उसको कैसे उसका संरक्षण किया जाए इस पर हम लोगों ने विचार किया। उस संरक्षण में उस समय का जो माहौल था वो माहौल ऐसा था कि इतना आतंक का माहौल था सरकार की तरफ से कि कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जो कोई बात मुंह से निकालता था उसको इस तरीके से डरा दिया जाता था ताकि कोई अपनी भावना को व्यक्त ही नहीं कर पाया। यहाँ के शिक्षक नहीं व्यक्त कर पाए, यहाँ के विद्यार्थी नहीं व्यक्त कर पाए और अपने आप को, हम लोगों को संभालने में और अपनी बात को रखने में बहुत समय लगा। हम लोग वो ताकत जुटा पाए, अपने में हिम्मत जुटा पाए कि हम अपना मुंह खोल सकें, अपनी बात कह सकें और छोटे से प्रेस के एक छोटे से हिस्से ने, मैं नाम अभी नहीं बोलना चाहूंगा इस वक्त, लेकिन प्रेस के एक छोटे से हिस्से ने हमारी बातों को उजागर किया, हमें वो हिम्मत दी जिससे कि हम अपनी बातों को व्यक्त कर पाए। तो मेरा यह कहना है कि शुरू में ही जो बातें अभी आपने सुने, शुरू में समझ की एक गलती हुई। एम्स बनने के क्या क्राइटेरिया हैं? ये सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को ढंग से नहीं बताया। उन क्राइटेरिया के मुताबिक इस परिसर में एम्स का निर्माण हो ही नहीं सकता था और जो आपत्ति बीच में आई भी थी तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जैसे एनआईटी हमने बना दिया पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को, वैसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज को हम एम्स बना देंगे। दोनों की कार्य प्रणाली में भिन्नता है, आप भी जानते हैं।
अभी भी चर्चा हुई है, वो हमारा हाईएस्ट रेफरेंस सेंटर है। कॉलेज अन्य मेडिकल कॉलेज बीच में आता है, कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह भी काम कर रहा है। इसके अलावा ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वर्क्स भी हो रहा है। सर में एम्स को बनाना था, इसी जगह को देना था, तो पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, आप 150 विद्यार्थी एम्स में पढ़ाएंगे और यहाँ 120 विद्यार्थी पहले से एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी, इस पर विचार किया क्या आपने? आदेश में क्या लिखा हुआ है? 200.01 एकड़ जमीन सभी संरचनाओं सहित एम्स को दी जाती है, सभी संरचनाओं। कुछ सालों से बड़ा चिंतित था कि जो लड़के 120 लड़कों का यहाँ एडमिशन होता था और आके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लासेस को देखते थे कि उनके क्लासेस टूटने जा रहे हैं, उनका पढ़ाई कहाँ होगा, प्रयोगशाला कहाँ जाएगा, डिसेक्शन हॉल कौन सा होगा, कभी कभी वो अफसोस करते थे कि इतना अच्छा रैंक ला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस व्यवस्था में कैसे आ गए। इसके कारण हम टीचर में बड़ा ये भावना जगती थी कि इसको कैसे बचाया जाए, और टीचर एसोसिएशन इस मुहिम में आगे बढ़ा और मुख्यमंत्री की घोषणा से दरभंगा मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन बहुत हर्षित है कि अब एम्स को वो एक अच्छी जगह दरभंगा मेडिकल कॉलेज से अलग देने जा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो पठन पाठन है जिसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी, छात्रावास जो टूटने जा रहा था और उनको रहने की व्यवस्था नहीं थी, ये सब कुछ बच जाएगा और फिर डीएमसीएच अपनी पुरानी गरिमामयी स्थिति में वापस आ जाएगा। डीएमसीएच के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि ये एम्स जहाँ कहीं भी बनेगा, मिथिला में ही बनेगा, दरभंगा से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है वो दरभंगा में करने के लिए है। वहाँ एक नया शहर बसेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो सबसे बड़ी बात होगी वो है दरभंगा के यातायात पर पहले से इतना दबाव है, एम्स के आने के बाद से ये चरमरा ही नहीं जाएगी, टूट जाएगी। तो मैं तो एलुमनी एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के हैसियत से कह ही रहा हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। मैं दरभंगा का आम नागरिक होने के नाते भी, मैं जिनसे भी मिल रहा हूँ मेरे अगल बगल में, हम देख रहे हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, सभी बहुत खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा को एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दो दो चिकित्सा संस्थान, दोनों उच्च स्तरीय, क्योंकि बार बार आप सुन ही रहे हैं कि जिस समय अमृत प्रत्यय जी आए हैं, उन्होंने कह के गया है कि 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा डीएमसीएच को उत्थान के लिए दिया जा रहा है, और आप देखेंगे यथाशीघ्र वो पुराना गौरव वापस नहीं आएगा, हम लोग डीएमसीएच को एक बहुत उन्नत संस्थान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित कर सकते हैं।